हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब फ्रेंड्स। हमारा आज का टॉपिक है स्टेट जुडिक्शन अंडर इंटरनेशनल लॉ। फ्रेंड्स, ये हमारी थर्ड वीडियो है इंटरनेशनल लॉ की, तो हम स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट। स्टेट जुडिक्शन को हम जनरली समझते हैं किसी भी एक स्टेट की जुडिक्शन की, कोई भी स्टेट अपने स्टेट के रिगार्डिंग, अपनी एरिया के रिगार्डिंग, अपनी टेरिटरी के रिगार्डिंग कोई भी लॉ बना सकता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ म्यूनिसिपल लॉ और देयर कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए। इंटरनेशनल लॉ को यहाँ पे रिलेट कर रहे हैं हम किस तरीके से, कि दूसरा स्टेट हमारे स्टेट के लॉज बनने के बाद भी क्या यहाँ पे आके एक्सरसाइज कर सकता है, हमारी ज्यूरिडिक्शन के अंदर भी कोई ज्यूरिडिक्शन, क्या उनको कुछ इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे हम, फिर भी क्या हमारी ज्यूरिडिक्शन की भी कोई एक्सेप्शंस हैं, ये सारी चीज़ें हैं ये देखते हैं हम। सबसे पहले हम लॉ बनाते हैं अपने पर्सन्स के लिए, अपनी प्रॉपर्टी के लिए, अपने म्यूनिसिपल लॉज बनाते हैं हम। और जो स्टेट होता है वो ज्यूरिडिक्शन को रेगुलेट करता है कैसे, लेजिस्लेशन के थ्रू करता है, कोर्ट्स के थ्रू करता है, एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू करता है, मतलब थ्री पिलर्स, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेशन। ये चीज़ हमारी जनरली थी, ये हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट था। इसके आगे चलते हैं हम सोवरेनिटी देखते हैं। सोवरेनिटी क्या होती है, मींस संप्रभुता, इंडिपेंडेंस, कोई भी चीज़ इंडिपेंडेंट है वो। टेरिटोरियल सोवरेनिटी मींस क्षेत्रीय इंडिपेंडेंस, एक प्लेस की, इंडिया की जितनी भी टेरिटरी है अपना इंडिपेंडेंस तरीके से वो लॉज बनाएंगे, किसी और स्टेट की कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी, यहाँ पे किसी की कोई एंट्री नहीं होगी। दो टाइप की थ्योरीज है, सब्जेक्टिव थ्योरीज और ऑब्जेक्टिव थ्योरी। सब्जेक्टिव थ्योरी मींस एग्जांपल ले लेते हैं, ऑफेंस को ले लेते हैं, मींस क्राइम को इन्वोक कर देते हैं। यहाँ पे ऑफेंस स्टार्ट हुआ यहाँ पे होना, लेकिन उसका वो कंज्यूमेटेड हुआ इंडिया के टेरिटरी से बाहर। अब प्रॉब्लम आ गई, कहाँ पे उसको ट्राई करें, इंडिया में कर भी सकते हैं विद सर्टेन एक्सेप्शंस अगर आ रहे हैं तो, फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 ले लेते हैं तो हम एक्सेप्शन आ जाती है हमारी। और एक्सेप्शन क्या आ जाती है, ऑफेंस इंडिया की शिप पे हुआ, चाहे वो हाई सीज में थी लेकिन है तो इंडिया की शिप, फ्लोटिंग आइलैंड, आईपीसी का सेक्शन 3 इन्वोक हो गया हमारा। ऑब्जेक्टिव थ्योरी, ऑफेंस स्टार्ट भी यहीं हुआ, ख़त्म भी यहीं हुआ, तो कम्प्लीटली इंडिया की टेरिटरी में हुआ तो यहाँ की ज्यूरिडिक्शन बन गई। ये थी हमारी सोवरेनिटी की बात, कि इंडिपेंडेंट हैं अपने केस को, अपनी चीज़ों को हम यहाँ पे अपने रिगार्डिंग लॉ बनाने के लिए, अपनी टेरिटरी के रिगार्डिंग बनाने के लिए कोई इंटरफेरेंस नहीं है, कोई आके हमारे लॉज को छेड़छाड़ नहीं कर सकता। लेकिन ये जो हमारी टेरिटोरियल सोवरेनिटी है, इसकी सर्टेन एक्सेप्शंस हैं, चार एक्सेप्शंस तो क्लियरली डिफाइन ही हैं जो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिप्लोमेटिक एजेंट्स, दूसरी फॉरेन एम्बेसीज, दोनों को एक साथ करते हैं हम क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अगले दो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। डिप्लोमेटिक एजेंट्स होते ही इसमें हैं, एम्बेसीज में कोई भी, जैसे यूएसए में या चाइना में इंडिया की एम्बेसी है और वहाँ पर डिप्लोमेटिक एजेंट्स हैं उन एम्बेसीज में, तो वहाँ के लॉज उन एम्बेसीज पे अप्लाई नहीं होंगे, उन डिप्लोमेटिक एजेंट्स पे अप्लाई नहीं होंगे, उनके अंदर अप्लाई नहीं होंगे, सिविल और क्रिमिनल चीज़ों से वो इम्यून रहेंगे, ऑफेंसेस से वो इम्यून रहेंगे, अरेस्ट नहीं कर सकते वहाँ पे इंडिया के डिप्लोमेटिक एजेंट्स को, ज़्यादा से ज़्यादा उसे वापस भेज सकते हैं वो अपने इस चीज़, अपने डिप्लोमेटिक एजेंट को, इसका रवैया ठीक नहीं है, इसको यहाँ से वापस ले जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा इतना कर सकते हैं। सिविल और क्रिमिनल चीज़ों से वो इम्यून है, सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग से वो इम्यून है। थर्ड, फॉरेन सोवरेंस, प्रेजिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स, ये इम्यून है सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग से। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर यूएसए में इम्यून है, वहाँ पे जाता है तो सिविल और क्रिमिनल चार्जेस से वो इम्यून है, प्रोसीडिंग्स नहीं चलेगी वहाँ पे। पब्लिक प्रॉपर्टी ऑफ फॉरेन सोवरेन स्टेट, यूएसए की यहाँ पे कोई पब्लिक प्रॉपर्टी है जो यूएसए स्टेट के नाम पे है तो वो इम्यून है, वहाँ उस चीज़ पे इंडियन लॉज और इंडियन ज्यूरिडिक्शन अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि ये चीज़ें खरीदी ही इस तरीके से जाती हैं
क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने के कि इन पे हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, तभी वो चीज़ें आगे अमल में लाई जाती हैं। नेक्स्ट, इंटरनेशनल सर्विट्यूड। एक तरीके से जो अभी हमने एक्सेप्शंस डिस्कस की, ये भी उस तरीके से ही है। सर्विट्यूड मतलब कि हम दूसरी ज्यूरिडिक्शन में राइट को एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम अपने राइट को यूएसए में जाने के बाद, वहाँ की टेरिटरी में जाने के बाद कुछ राइट को एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक्सेप्शनल रिस्ट्रिक्शंस होंगी, कैसे एक्सरसाइज करना है, चार तरीके हैं हमारे पास, टाइप्स हैं सर्विट्यूड के चार। सबसे पहला पॉजिटिव, एक स्टेट ने दूसरे स्टेट को परमिशन दे दी कि आप आओ यहाँ पे वर्क करो, पॉजिटिव सर्विट्यूड। नेगेटिव सर्विट्यूड, एक स्टेट ने अपना कोई पार्ट बहुत टाइम से खाली छोड़ रखा था, यूज़ नहीं कर रहा था, वो दूसरा स्टेट आके उस पर यूज़ करने लग जाता है, नेगेटिव सर्विट्यूड, परमिशन तो नहीं ली लेकिन यूज़ करने लग जाता है, लेकिन वो स्टेट उसे एक्सेप्ट कर लेता है बाद में, नेगेटिव सर्विट्यूड हो गया। थर्ड मिल्ट्री, एग्जाम्पल लेते हैं स्टेट ऑफ माल्टा, माल्टा एक कंट्री है, बहुत सारे आइलैंड, उसने अपना एक आइलैंड ब्रिटेन को दे रखा है कि आप यहाँ पे मिल्ट्री एस्टेब्लिशमेंट सेटअप कर लो अपनी, हम लीज़ पे दे देते हैं आपको, इतने पर ईयर हमें पैसे देते रहना और इसको आप एज ए लीज यूज़ करते रहना, मिल्ट्री सर्विट्यूड हो गया। फोर्थ इकोनॉमिक सर्विट्यूड, कमर्शियल ट्रांजैक्शंस, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज एक दूसरे के बीच में एक्सचेंज हो रही है दो स्टेट्स के बीच में, इकोनॉमिक सर्विट्यूड हो गया। ये थी सर्विट्यूड कि दूसरे टेरिटरी में जाके हम सर्टेन राइट्स को एक्सरसाइज कर रहे हैं। इंडिया के ट्रक पाकिस्तान में जाते हैं बहुत सारे, कमर्शियल ट्रांजैक्शंस होगी, कुछ सामान लेके जाते होंगे, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ होगी, ये थी सर्विट्यूड। लास्ट में जो हमारा स्टेट ज्यूरिडिक्शन का टॉपिक है, इसमें लीडिंग केस है एसएस लोटस केस, ये दो कंट्रीज़ के बीच का है, टर्की का और फ्रांस का। 1926 की बात है, शिप का नाम एसएस लोटस, वो एक टर्की के शिप से कोलाइड हो गया, बोजकॉट नाम का शिप था जिसमें टर्की का शिप डूब गया, 8 टर्की के आदमी मर गए। जो कैप्टन था शिप का मिस्टर डेमोज, उसको अरेस्ट किया गया और उसके खिलाफ प्रोसीडिंग चलाई गई, तो फ्रेंच गवर्नमेंट ने प्रोटेस्ट कर दिया कि वो टर्की कैसे चला सकते हैं, उसकी तो ज्यूडिक्शन नहीं थी, वो तो एक रिवर में से जा रहे थे। परमानेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस गया, ये बात है 1926 की, आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तब तक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस गठित नहीं हुआ था, उस टाइम पे परमानेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस होता था। तो कोर्ट ने कहा कि टर्की बाय वे ऑफ सब्जेक्टिव थ्योरी, टेरिटोरियल सोवरेनिटी की जो फर्स्ट थ्योरी है, सब्जेक्टिव थ्योरी, उसको पनिश कर सकती है, क्योंकि तब तक उसको किसी ने अरेस्ट भी नहीं किया था और उसके नेशनल्स पे बात आई है, उसने उसको, उसकी ज्यूडिक्शन बनती है, उसको सही तरीके से ट्राई किया है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो स्टेट ज्यूडिक्शन के ऊपर। आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ये हमारी थर्ड वीडियो थी, इससे पहले दो हम नेचर एंड स्कोप ऑफ इंटरनेशनल लॉ डिस्कस कर चुके हैं और उसके बाद हम डिस्कस कर चुके हैं सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, जिसमें इंटरनेशनल लेजिस्लेशन, इंटरनेशनल कस्टम्स थे हमारे, और दो चार थे अदर सोर्सेज को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।